हाँ जी बेटा, लास्ट आज डे एलपीपी करेंगे, इसके बाद एओडी स्टार्ट करेंगे। आपको बता दूं कि एलपीपी में से बेटा, अगर वैसे बता दूं तो बोर्ड के पेपर में 5 नंबर 5 मार्क्स की एलपीपी आनी है। ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली केस स्टडी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 5 उधर से 2 सेशन रीजनिंग और मेरे पास जो गए और 3 क्वेश्चन आ गए, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना कि 5 के 5 एमसीक्यू ज्यादा, ये कभी नहीं हो सकता। तो अभी हम क्वेश्चंस करने लगे हैं इसी के। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था एलपीपी का, कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास जो है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर 02 30 60 05 मेरे पास, एंड लेट जेड मेरे पास जो है 4x+6y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन मेरे पास जो है बेटा मैक्सिमम ऑफ जेड माइनस मिनिमम ऑफ जेड, ये दोनों निकालना है। कैसे करेंगे? अगर ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस जेड के, बिल्कुल आप पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालोगे और दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। जल्दी आंसर निकालिए सभी। बी एक्टिव बेटा, काक्षी रसिका प्रभनू दिव्यलीन मेरा बेटा, प्लीज ट्राई टू डू द क्वेश्चंस। जहां प्रॉब्लम आती है पूछिए मेरे से फटाफट बेटा। नो? हाँ जी चेक कर लेते हैं बेटा एक बार, माइट बी गलत दिया ऑप्शन में। जब मैंने यहाँ पर पुट किया 02 तो जेड आया मेरे पास 12, जब मैंने पुट किया 3 तो जेड आया 12, उसके बाद मैंने 6 तो जेड आया 24, और अगला किया 30। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ओ देखो मैक्सिमम जेड 30 आया, कहाँ पर? हाँ डिफरेंस इज 18, बिल्कुल जी। ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन, बात समझ आ गई सबको? दोनों का डिफरेंस लोगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, ठीक है जी। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर, मेरे पास कॉर्नर पॉइंट दे दिए हैं 0 0 0 40 20 40 60 20 60 0, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया है 4x+3y, कंपेयर द क्वांटिटी इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मेरे पास उन्होंने दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम्पलर में भी है। कॉलम ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, कॉलम बी 3 2 5, ये दिया हुआ है। अब मेरे को ऑप्शन क्या क्या दी हुई है देखिए, द क्वांटिटी इन कॉलम 1 इज मोर देन, जो है ग्रेटर देन, ठीक है, देन द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर देन कॉलम ए, नेक्स्ट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, देन डी ऑप्शन है द रिलेशनशिप जो है कांट बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाई जो है गिवन, जो है उसने कहा कि जो इंफॉर्मेशन सप्लाइड है उससे हम कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले देखें हम क्या करें, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाले, जब मैं जेड 0 0 पुट करूंगी तो ये 0 आएगी पहला, अगले में जब 0 40 कितनी आएगी 120, जब 20 40 जब मैंने 20 पुट किया तो ये 80, 40 पुट किया 120, कितना हो गया 200, ये 4x+3y जेड। अब इसमें जब 60 पुट किया और तो ये हो गया 300,
नेक्स्ट जब 60 पुट किया तो 240 मैक्सिमम वैल्यू इस पे 300 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितना आ गया 300। इसका मतलब कॉलम बी इज ग्रेटर देन कॉलम ए ना, तो बी ऑप्शन आएगी। ओके क्लियर, सबको बात समझ आ गई? दिव्यलीन, रसिका, काक्षी, सबको बात क्लियर है? ओके नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन। अब देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बार अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पलर बुक में है। द फिजिकल रीजन ऑफ ए एलपीपी इज शोन एज, मेरे पास ये दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है मुझे ये, और ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं 08, 410, 68, 65, 50 और z दिया हुआ है 3x-4y जो है। द फिजिकल रीजन ऑफ अ एलपीपी इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, z इज इक्वल टू 3x-4y, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम ऑफ z अक्कर एट, उसने कहा कि मिनिमम वैल्यू जो है वो z की कहां अक्कर होगी, क्या करेंगे? रसिका, रसिका अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी रसिका बताइए, मिनिमम ऑफ z कैसे निकालेंगे बेटा? मैम मिनिमम वैल्यू 5.0 पे आएगी तो फिर वो, या फिर सब में पुट करके देख सकते हैं क्या करेंगे x और y की वैल्यू। मैम x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो दी हुई है ना पॉइंट्स, जैसे कॉर्नर पॉइंट्स, उसकी पुट करके देखेंगे, फिर जिसकी सबसे कम आएगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड रसिका। Put all the coordinates in the Z, जहां पर सबसे मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वहां पर रखकर होगा। ओके बेटा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ऐसे ही मेरे पास है मैक्सिमम वैल्यू निकालो, किसी में है मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू निकालो, अलग अलग तरह की फिगर दी हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं थ्रेटिकल वाले ज्यादा करा रही हूँ, मुझे लगता है एलपीपी में वहां से नंबर कट सकते हैं हमारे पास। अब उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए बेटा, एवरी एलपीपी एडमिट्स एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिए, एवरी एलपीपी एडमिट्स जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हर एलपीपी का ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, करते हैं? नहीं बेटा, क्यों? आप देखिए, अगर ऐसा कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं होता, ये लीजिए, तो हम क्या कहते हैं, बात अनबाउंड, अनबाउंडेड में भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, हम कहते हैं इसको नो सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हाँ ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है अनबाउंडेड में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेकेंड उसने लाइन बोली, ए एलपीपी एडमिट्स यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन। वो कहता है कि एलपीपी का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट मैनी भी तो करते हैं, नो सॉल्यूशन भी तो एग्जिस्ट करता है, हर तरह का होता है ना, मल्टीपल सॉल्यूशन है ना हमारे पास। तो नेक्स्ट, इफ अ एलपीपी एडमिट्स टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अगर एक एलपीपी के दो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आपको आगे भी बताया हुआ है कि अगर उसके दो सॉल्यूशन होते हैं तो हम कहते हैं उनको पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इनके बीच में क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल सही है। डी देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। हमेशा मैं कहती हूँ एलपीपी का जो सेट सॉल्यूशन होता है वो कन्वेक्स होता है, कनकेव कभी भी नहीं होता। ओके जी, तो सी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट थी, बाकी सारी रॉन्ग थी,
तो आपको ये सारी ऑप्शंस पता होनी चाहिए बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कॉन्स्टेंट्स। अब बेटा ध्यान से, उसने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होती है? फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ द फिजिकल सॉल्यूशन, सेकंड एट 0 0, थर्ड एट एनी वर्टेक्स ऑफ द फिजिकल रीजन, नंबर फोर्थ द वर्टेक्स विच इज जो गए एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल बेटा, इसका आंसर जो गए बिल्कुल यही होना चाहिए कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। बट यहाँ पर बेटा उन्होंने एक गलत आंसर दिया हुआ है। दे राइट एट द सेंटर ऑफ द फिजिकल सॉल्यूशन के सेंटर पे होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी वी विल डिस्कस इट अगेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये आगे भी बताया था, जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है उतना ही हमारे पास जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है ओरिजिन से। चलिए अब मैं असर्शन रीजनिंग आप लोगों को करवाने लगे। ओके जी, असर्शन रीजनिंग ध्यान से, एलपीपी की असर्शन रीजनिंग कैसे है लेट अस सी। मेरे पास जो है पहला क्वेश्चन, उसने आपको वो तो पता है कि मेरे पास असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। असर्शन इज फॉल्स, आर इज ट्रू, देन बोथ जो है ए एंड आर जो है इज करेक्ट मेरे पास, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए ऑप्शन बी सी, सी ऑप्शन, अब डी, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से देखना है। पहला देखिए, मेरे पास असर्शन क्या दिया हुआ, इफ द क्वेश्चन वही है सिर्फ चेंज कर दिया है, लिसन इट केयरफुली। इफ द कॉर्नर मेरे पास जो है पॉइंट्स ऑफ अ फिजिकल रीजन फॉर एन एलपीपी आर 0.2, 3.0, 6.8 एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन f is 4x plus 6y, then minimum value of f is at 0.2, 3.0। reason ये सारा session था, this is a। अब reason क्या है मेरे पास, हाँ जी, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट टू कॉर्नर पॉइंट्स देन Any point on the line segment, मैं लिखने रही हूं सुन लीजिए, then any point on the line segment joining the two corner points give the maximum and the minimum value, give the maximum and the minimum value। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो minimum value निकाल के देखे ना मेरे पास। उसने कहा कि अगर ये मेरे पास corner points है तो minimum value ये या ये आती,
पहले तो देखें क्या यही आती है, है ना, पुट करके देखें। जब मैंने जीरो और टू पुट किया तो एफ आया 12, मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है। जब थ्री पुट किया तो 12, जब मैंने सिक्स और एट पुट किया ये ज्यादा ही आएगा, तो उसने कहा कि मिनिमम वैल्यू जो गए वो मेरे पास जीरो टू और थ्री जीरो पे, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मिनिमम है ही मेरे पास दो पॉइंट पे। फिर उसने कहा मेरे पास कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की दो कॉर्नर पॉइंट्स पे आती है, देन एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू कॉर्नर पॉइंट गिव द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। जो गए हमारे पास तो यहाँ पर एनी पॉइंट थोड़ा, हम कहते हैं तब हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं कि नहीं होते, ज्वाइनिंग दैट टू पॉइंट्स देन वी आर हैविंग इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। यही कहते हैं कि नहीं कहते, जब दो ऑप्टिमम सोल्यूशन आता है तो हम क्या कहते हैं, वी आर हैविंग इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, उस पे जो मर्जी ले लो सब पे आंसर आता है। तो इसने लिखा एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉर्नर पॉइंट गिव द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी आर भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है मेरे पास, और देखो दोनों पे सेम वैल्यू आई आई ना मेरे पास, तो 100% जो है अगर मैं देखूं तो मेरे पास उसका रीजन भी है, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं प्लीज बार बार कह रही हूं, बुक्स आप कोई भी देख रहे हो उसमें आंसर्स की गलती भी है, तो आंखें बंद करके मत विश्वास करना, ठीक है। दे आर गिविंग इन मैनी क्वेश्चंस जो है रॉन्ग ऑप्शंस, चाहे हम पीडीएफ भेज रहे हैं आंसर साथ में है, तो प्लीज उसको ये नहीं कि ये क्यों आया उसको रीजन फाइंड आउट करो, डिस्कस द क्वेश्चन विद मी, ओके क्लियर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा मेरे पास, सी, ए भी ठीक है आर भी ठीक है और उसका करेक्ट रीजन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट असर्शन रीजन। अब सेकंड में क्या कहता है देखिए, हाँ जी, इसमें उसने क्या कहा है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर, कॉर्नर पॉइंट मुझे दे दिए 0 0 4 0 2 4 0 5, इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ए एक्स प्लस बी वाई अकर एट कौन कौन से दो पॉइंट्स पे, 2 4 and 4 0 पे, देन रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज दिस। ये असर्शन दिया हुआ है, दिस इज असर्शन, और रीजन क्या दिया हुआ है, जस्ट लिसन इट केयरफुली, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट टू कॉर्नर पॉइंट्स, देन एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू कॉर्नर पॉइंट गिव द मैक्सिमम और द मिनिमम, सेम वाला रीजन है। चलो पहले तो देखते हैं, है ना, उसने कहा मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास हो गए वो दो पॉइंट्स पे दिए, अगर मैं 2 4 पे निकालूं तो मेरे पास 2a + 4b, ये किसके इक्वल हो गया, जब मैंने 4 0 तो 4a, अब मैं इसको उधर ले जाऊं तो मेरे पास 4b = 2a, ये कट गया तो मेरे पास a - 2b = 0। असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा देखो उसने क्या कहा कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अक्कर होती है टू कॉर्नर पॉइंट पे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू कॉर्नर पॉइंट्स गिवन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, तो बेटा 100% जो है मेरे पास असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी मेरे पास ट्रू है। अब क्या ये रीजन हमारा इसमें यूज हो रहा है, बताइए, रीजन वही पर आने वाला कि अगर दो पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलती है तो उसने कहा
उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट में, मेरा जो है वो आंसर एग्जिस्ट करता है। तो रीजन, अगर यहाँ पर आंसर तो यूज ही नहीं हुआ ना, हमने तो दोनों मैक्सिमम वैल्यूज को क्या किया, इक्वेट किया, यूज तो नहीं ना हुआ रीजन। तो दैट मीन्स ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यूज तो नहीं ना हुआ कि मैं कह रही हूं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स पे, है ना, कोई भी आंसर होगा, ये कहीं यूज हुआ नहीं हुआ ना, तो दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन। ओके बेटा, क्लियर, सबको समझ आ गई बात। चलिए नाउ, अब मैं केस स्टडी वाला क्वेश्चन कराने लगी, लेट अस सी, एक ही केस स्टडी कराऊंगी कि आपको, क्योंकि पांच क्वेश्चंस मेरे माइंड में तो यही आता है कि अगर सीबीएसई को डालना चाहिए तो केस स्टडी एलपीपी में से डालनी चाहिए, क्योंकि उसके डायरेक्टली तीन ही चैप्टर्स बनते हैं केस स्टडी वाले, एओडी, डिटर्मिनेंट और एलपीपी, क्योंकि यही बड़े बड़े क्वेश्चन वाले इसमें एग्जिस्ट करते हैं इन चैप्टर्स में, और ताकि इसमें डायरेक्ट पांच पांच क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो लेट अस डू द केस स्टडी। हाँ जी बेटा, अब केस स्टडीज देखिए, देखिए लेट अस सी, अब केस स्टडी क्या बनती है मेरे पास यहाँ पर। उसने कहा शिल्पा राइड्स हर कार एट 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने मुझे केस स्टडी में बोला कि वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को राइड करती है। शी हैज टू स्पेंड रुपीज 2 पर किलोमीटर ऑन डीजल, मेरे पास जो है, इफ शी राइड्स इट एट ए फास्टर स्पीड, अगर वो फास्टर स्पीड से चलती है तो डीजल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और वो लगती है रुपीज 5 पर किलोमीटर। ओके, शी हैज रुपीज 100 टू स्पेंड ऑन डीजल, उसके पास डीजल पे खर्चने के लिए टोटल 100 रुपया है। अब उसने कहा है लेट शी ट्रेवल एक्स किलोमीटर विद स्पीड 25 एंड वाई किलोमीटर विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने हमें एक ग्राफ भी दे दिया, ग्राफ ये दिया हुआ है, देखिए ये शेडेड रीजन है, ये है 2x 5y = 100, और ये वाला ग्राफ है x/25 y/40 = 1। ये 20, ये पॉइंट नहीं दिया हुआ, अगर मैं देखूं तो ये 10 और ये 20 के आसपास है, और ये 20 और 30 के बीच में ऐसे ग्राफ दिया हुआ, दिस इज गिवन टू यू। अब बेटा वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कैसे हम यूज करेंगे, रीड द अबव इंफॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ टर्न बाय टर्न, प्लीज लिसन इट केयरफुली। मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ क्वेश्चन में क्या है। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है और 2 रुपए लगते हैं, अगर स्पीड इंक्रीज करती है तो 5 रुपीज पर किलोमीटर डीजल लगता है। उसने टोटल 100 रुपीज स्पेंड करने हैं डीजल पे, और मुझे दिया हुआ है अगर एक्स किलोमीटर वो 25 की स्पीड से चलती है और वाई किलोमीटर 40 की स्पीड से चलती है, और ये ग्राफ दिया हुआ। नाउ लेट अस सी व्हाट दे वांट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द केस स्टडी। हाँ जी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2, कैसे कैलकुलेट करोगे। हाँ जी बेटा साक्षी, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 निकालना है। काक्षी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, पॉइंट्स आप। यस मैम। बेटा कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। मैम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल काक्षी करेक्ट है, आप दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, सब बच्चे निकाल सकते हैं जो भी आंसर आए। अब नेक्स्ट देखिए,
द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन जो है शोन इन द ग्राफ पेपर आर. अच्छा अब आपका जो भी पॉइंट आया मैं लिख रही हूं 50/3 और 40/3. अब उसने कहा कॉर्नर पॉइंट्स बताओ. कॉर्नर पॉइंट कौन से होंगे? एक दो ये थ्री और ये फोर, यही होंगे. अब देखो ग्राफ में क्लियर कट मुझे नहीं पता चल रहा. अच्छा इसका पता है, ये पॉइंट मुझे क्लियर कट पता है कि ये मेरा है 0.20. ये पॉइंट मैंने निकाल लिया 50/3 40/3 कैलकुलेट कर लिया. अब रह गया ये पॉइंट, मुझे नहीं पता चल रहा ना क्योंकि ये 20 और 30 के बीच में ना, ये 25 लग रहा है. तो ऐसे केस में क्या करना है, जिस लाइन की इक्वेशन है ना ये एक्स एक्सिस भी देखना है, तो आप क्या करो वाई क्या पुट कर दो, जीरो पुट करो. एक्स एक्सिस भी है ना, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, जीरो. जब तुमने वाई जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू 25, तो ये 25.0 आ गया. और एक पॉइंट क्या है 0.0. ये ऐसी ऑप्शन जिसमें ये चारों पॉइंट्स होंगे उसको टिक कर देना बस. बात समझ आई बेटा? सारा देखा जाए तो 10th क्लास का काम है आपने, ठीक है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा. उसने कहा इफ जेड जो है मेरे पास थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. वो कहता है कि अगर मेरे पास z जो है वो x प्लस वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 है, मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे अक्कर करे, क्या करे, व्हाट वी हैव टू डू. ये कॉर्नर पॉइंट्स है, इन सब पे क्या करें, z की वैल्यू निकाल लें. इस पे देखूंगी तो 20 आएगी, इस पे देखूंगी तो 30 आएगी, इस पे देखूंगी तो 0 आएगी और इस पे देखूंगी तो 25. तो कौन से पॉइंट पे अक्कर हुई, 50/3 40/1. वैसे भी देखो ये डिस्टेंस ओरिजिन से इसका सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दीज पॉइंट, तो इसी पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी. समझ आ गए? ओके, सो दैट मीन्स दैट वैल्यू अक्कर है 50/3 and 40/3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का. वो कहता है कि अगर मैं z को चेंज कर दूं, इफ इंस्टेड ऑफ दिस z मेरे पास इफ z इज 6x-9y जो है, अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या होगी. अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो z की क्या होगी, क्या बिल्कुल यही पॉइंट सारे पुट करके देख लो, ठीक है, जहां पर मैक्सिमम आ रही है उसको मैक्सिमम ले लो, बात खत्म. ओके चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास. इफ z इज, बहुत इजी ये दिया हुआ था केस स्टडी, इफ z इज 6x+3y तो उसने कहा अब मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालो. ये भी तो सेम ही पुट करके कॉर्नर पॉइंट्स 0.0 ये वाला पॉइंट था रीजन, ये भी तो लेते हैं, ठीक है ना. तो अब मिनिमम वैल्यू क्या पता किसी की नेगेटिव आ जाए, वो भी तो मिनिमम हो सकती है. अब मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन पे देखनी है 6x+3y पे, वही कॉर्नर पॉइंट्स पुट करो. और मैंने ये चैप्टर सारा का सारा एक बुक में से आपको सारे क्वेश्चंस रिकॉल कर दिए हैं जितना मुझे लगा, क्योंकि इजी चैप्टर है और मुझे लगा 5 marks तो हम पूरे के पूरे अच्छी था, क्लियर बेटा. तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारे आपको मल्टीपल चॉइस और एक बुक में से मैंने क्लियर कट आपको जो है वो बता दिए हैं, दैट इज मैक्स मार्क्स की बुक में से, विद्या पब्लिकेशन की बुक में से, ब्लू प्रिंट में से. मैं आपको एलपीपी की असाइनमेंट सेंड कर दूंगी, ठीक है, यू विल सी, ठीक है. अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ लास्ट चैप्टर हमारा जो रिवीजन का रहता है एओडी. एओडी में बेटा मेरे पास जो है सिर्फ एक आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि चैप्टर नहीं होगा, सिर्फ डिस्कशन करने लगे हम लोग. आपको क्लियर कट बता दूं एओडी
और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये पूरे दोनों चैप्टर मिला के 17 नंबर का पेपर में आना है, ओके, बोर्ड के हिसाब से। तो बेटा 100% है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा दोनों में से जो छूट सके, दोनों चैप्टर में से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एओडी कराने लगी, क्योंकि एओडी में जो पूरा चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हम, सिर्फ 3 पार्ट्स में, बाकी सब डिलीटेड है। पहला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, ध्यान से 100% है, इसमें से 2 क्वेश्चन आने ही आने, ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से। आप खुद सोचो ना, 17 नंबर का पेपर आना है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और एओडी, एक केस स्टडी पक्का इसमें से पक्का आएगी, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि केस स्टडी पिछली बार का भी हम अगर डिस्कशन करें ना, तो केस स्टडी एओडी की बहुत बनती थी, जितने मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन बनते हैं ना वो केस स्टडी में बनते हैं, ओके, और बहुत इजी होते हैं। फिर एक मेरे पास नेक्स्ट इसका है टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमम। अगर आप एग्जाम्पलर बुक को खोलोगे ना, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ, हजारों क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हुए, ठीक है, जैसे मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू, साइन एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स ओवर ई पावर माइनस एक्स प्लस ई, एग्जाम्पलर खोल के तो देखो, उसी के बेस्ड पे एक्स्ट्रा बुक्स में क्वेश्चन है मेरे। तो कल अब हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द क्लास, बिकॉज दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू बेटा, ओके, सो ज्वाइन इट केयरफुली, ओके।